हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर विथ आशुतोष में। सब्सक्राइब करिए और पाइए बहुत सारे वीडियोस। आपकी तैयारी, आपकी परीक्षा जो भी है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं बनाता हूँ और आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आज का मेरा लेक्चर है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, कुंभ का समय चल रहा है तो गंगा नदी के बारे में जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है और परीक्षा के लिहाज से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज मैंने टॉपिक चुना है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र को मैंने पूरी तरह बनाया है और एक एक करके मैं बताऊंगा। पहले तो आप जान लीजिए गंगा नदी तंत्र यानी नदी तंत्र किसे कहते हैं, नदी तंत्र अपवाह तंत्र क्या होता है। किसी नदी के और उसके सहायक नदियों द्वारा घेरे गए क्षेत्रों को अपवाह तंत्र या नदी तंत्र कहते हैं। जितनी भी सहायक नदियां हैं और मैदानी भाग को मिला के डेल्टा बना चाहे जो बना, वो उस नदी का नदी तंत्र यानी अपवाह तंत्र कहलाता है। तो आज मैं चर्चा कर रहा हूं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र, आप जानते हैं गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। और ये जान लीजिएगा गंगा नदी को हम धार्मिक रूप से भी बहुत महत्व देते हैं और आर्थिक रूप से भी बहुत महत्व देते हैं। अभी हाल ही में गंगा नदी को एक जीवित मनुष्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया। बाद में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दिया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उस डिसीजन को बदलते हुए उसको रद्द कर दिया। लेकिन धार्मिक रूप से गंगा नदी को माँ मानते हैं, गंगा माँ मानते हैं और प्रयागराज में कुंभ लगता है। माना जाता है कि प्रयागराज यानी पुराना नाम इलाहाबाद में गंगा यमुना और एक नदी सरस्वती का मिलान होता है और त्रिवेणी के संगम से वहां नहाने से लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आज मैं गंगा नदी के पूरे नदी तंत्र के बारे में बताऊंगा और कोशिश कर रहा हूं कि सभी नदियों को बता सकूं और नदी के तट पर बसे शहरों के नाम भी बताऊंगा और नदी के उद्गम स्थल भी बताऊंगा। इसके बावजूद अगर कुछ टॉपिक छूट गया हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से बना दूंगा। फिलहाल मैंने कोशिश किया है कि कुछ ना छूटे। चलिए स्टार्ट करते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगोत्री से निकल के गंगा का डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी तक गंगा नदी तंत्र का विस्तार है। उत्तराखंड से निकल के पश्चिम बंगाल तक भारत में बहती है और पश्चिम बंगाल के फरक्का के पास से ये पश्चिम बांग्लादेश में इंटर करती है जहां इसका नाम पद्मा हो जाता है और वहां पे ब्रह्मपुत्र जिसका नाम जमुना है वह आकर इससे मिलती है। चलिए, ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद भी इसका नाम पद्मा होता है और पद्मा के आगे जाके मणिपुर पहाड़ी क्षेत्र से एक नदी आती है मेघना। मेघना मिलने के बाद इसका नाम मेघना हो जाता है और मेघना ही अपनी डेल्टाई क्षेत्र कई वितरिकाओं में बटकर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो सुनिएगा, गंगा के कितने नाम हैं? गंगा के नाम हैं गंगा, भागीरथी, पद्मा और मेघना। गंगा नदी के परिवर्तित नाम हैं, अलग अलग समय पे इसका नाम किया गया है। गंगा नदी दो मुख्य नदियों के मिलान से बनी होती है जिसका नाम है अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी, भागीरथी गंगोत्री हिमनद से यहाँ पे उत्तराखंड में से निकल के देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है और अलकनंदा नदी यहाँ पे लिखा है सतोपद हिमनद से आती है। और ध्यान दीजिएगा, ये अलकनंदा भी दो नदियों से मिलकर बना है, दो नदियों के जल द्वारा बनाया गया है। उनका नाम है धौली और विष्णुगंगा। मैं छोटा सा बना देता हूँ। चलिए, सतोपद हिमनद से दो नदियां निकलती हैं, धौली और विष्णुगंगा। सतोपद हिमनद से दो नदियां निकलती हैं, धौली और विष्णुगंगा, जिनका मिलान होता है यहां लिखे हैं विष्णुप्रयाग में मिलान होता है और विष्णुप्रयाग से ही अलकनंदा, इन दोनों के सम्मिलित रूप को अलकनंदा कहते हैं।
वैसे देखा जाए तो यहाँ पे देवप्रयाग के पहले यहाँ पे पांच बड़ी नदियों का मिलान, छह बड़ी नदियों का मिलान है और पांच जगह पे ये मिलते हैं, पांच जगह पे मिलते हैं, इनको पंचप्रयाग नाम से जाना जाता है, पंचप्रयाग नाम से जाना जाता है। अलकनंदा और भागीरथी के मिलान होता है देवप्रयाग में और तब जाके इसका नाम कहलाता है गंगा नदी। फिर से सुनिएगा, गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों से मिलकर बनी मिलकर बनती है। अलकनंदा भी दो नदियों से मिलकर बनती है जो सतों पर पहाड़ी सतों पर हिमनद से धौली और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग में मिलके अलकनंदा कहलाती है। और भागीरथी गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री हिमनद। और गंगोत्री की भी बात सुन लीजिएगा, गंगोत्री पर नंदा देवी, कामत पर्वत और त्रिशूल पर्वत है। असल में जो गंगोत्री हिमनद है ये ऐसे हिमनद नहीं है, ये नंदा पर्वत, कामत पर्वत और त्रिशूल पर्वत जो है, इन तीनों के जो बर्फीली चट्टाने होती है वो पिघल पिघल कर ये गंगोत्री हिमनद में गिरती है। और गंगोत्री हिमनद पिघल के ये भागीरथी का निर्माण करती है और भागीरथी आगे जाके विष्णु देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। छोटी छोटी कई नदियां हैं, जैसे एक नदी ऐसे है, एक नदी का नाम मैं भूल रहा हूँ, हाँ नंदाकिनी, नंदाकिनी भी नंदप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से। कुल मिला के गिनिएगा, भागीरथी, अलकनंदा, धौली, विष्णु गंगा, मंदाकिनी, नंदाकिनी, मंदाकिनी अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है। चलिए, अलकनंदा से ये रहा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में कौन मिलता है, कौन मिलता है, मंदाकिनी, और नंदप्रयाग में नंदाकिनी मिलती है, नंदप्रयाग में नंदाकिनी, नंदाकिनी, और आगे जाके देवप्रयाग में कौन मिलता है, भागीरथी मिलती है। चलिए, इतनी बातें हम मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं इसको मिटाते हुए। आगे आते हैं तो आगे चलिए हरिद्वार, हरिद्वार उत्तर, हरिद्वार एक ऐसा स्थान है जो माना जाता है, मतलब धार्मिक स्थल भी है। और हरिद्वार की खासियत यह है कि गंगा नदी जो है वह हरिद्वार से ही मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले तक ये पहाड़ी क्षेत्र में ट्रेवल कर रही है और यहां तक युवावस्था में है ना, युवावस्था में यहां भी है, लेकिन जो स्पीड है जल की वह ज्यादा है, क्योंकि ढलानों पे पानी कितनी तेज ज्यादा तेजी से बहेगा मैदानी भागों से। अब यहां हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। आगे चल के हस्तिनापुर, गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, फरुखाबाद आदि जिलों से, आदि स्थानों से गुजरते हुए कन्नौज आती है। कन्नौज में एक है नैनीताल से निकलने वाली एक नदी है रामगंगा, जो कन्नौज के निकट गंगा नदी में समाहित हो जाती है। इसके पहले एक बात आपको और समझना है कि नदी की सहायक नदियों को दो खंडों में बांटा गया, किसी भी नदी की सहायक नदियों को दो खंडों में बांटा गया, एक को बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी और एक बोलती है दक्षिणवर्ती, बाएं हाथ की नदी और दाएं हाथ की नदी। कैसे जानेंगे, जैसे ये नदी है, ये ऐसे जा रही है, एरो बना देता हूं, ऐसे जा रही है, आप ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर जा रही है, तो अगर आप इधर सीध मुंह करके रहेंगे तो इसके बाएं तरफ क्या होगा, बाएं तरफ वाला तट कहलाएगा पूर्ववर्ती, या बाएं हाथ का तट, और इसके दक्षिण दाएं तट को दक्षिणवर्ती अथवा दाएं हाथ का तट कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो नदियां देखिएगा गंगा के ऊपर है वो कौन सी नदियां हैं, पूर्ववर्ती नदियां, या कहो तो बाएं हाथ के तट पर मिलने वाली सहायक नदियां, उनमें कौन कौन सी हैं, रामगंगा, ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन सी है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, और भी हैं, आप इंटरनेट की मदद ले सकते हो, लेकिन मुझे लगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी नदियां हैं।
अनगिनत तो नहीं, गिनती में ही है, लेकिन बहुत सारी नदियां इस छोटे से व्हाइट बोर्ड में समाहित करना बहुत ही मुश्किल है। छोटी छोटी नदियां हैं। और दक्षिण तट पर मिलने वाली नदियां, सबसे बड़ी नदी यमुना तट, यमुना नदी, उसके बाद बेतवा, सिंध, केन, किसकी सहायक नदियां हैं? ये यमुना की सहायक नदियां हैं। एक बात आती है इंग्लिश में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ड होता है। डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट तो यमुना है दक्षिण तट पे, ये इनडायरेक्ट रूप से मिली हुई सहायक नदियां हैं। ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, जो यमुना नदी खुद गंगा नदी की सहायक नदी है, इसलिए ये गंगा नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली सहायक नदी है। ठीक। और सोन, इसका नाम लिखना ना भूल गया, अमरकंटक की चोटी से निकलने वाली सोन नदी है, इसके बारे में बता रहा हूं, टिक मार दे रहा हूं। और इधर ये देख रहे हैं, ये हुगली, ये सहायक नदी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये सहायक नदी नहीं है, ये गंगा की वितरिका है। कैसे? जैसे मैं यहां बता रहा हूं, मैदानी भाग में चलते चलते ऐसा हुआ कि थोड़ा कठोर पठार पड़ गया, या थोड़ा सा नदियां थक जाती हैं अपने जल के अंदर मिले रेत पत्थर को ढोते ढोते, तो वो अपने ही रास्ते में जमाव करने लगती हैं। इतना ज्यादा जमाव हो जाता है कि नदी दो भाग में विभाजित हो जाती है। अक्सर होता है कि वो दूसरा भाग बाद में फिर मिल जाता है, और अक्सर ये होता है कि उनका मिलान नहीं होता और एक भाग उधर चला जाता है, एक भाग उधर चला जाता है। तो वही हुआ है यहाँ पे मुर्शिदाबाद के पास। मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के पास क्या हुआ कि गंगा नदी दो भागों में विभाजित हो गई। एक कहलाई हुंगली और दूसरी मुख्यधारा गंगा की, जो कहलाई भागीरथी, पुनः यहाँ भी भागीरथी है और यहाँ भी भागीरथी कहलाती है। ध्यान से देखिए, इतनी दूर तक भागीरथी कहलाएगी। और वो भागीरथी वाली पार्ट जो गंगा की है, वह पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास से इंटर ले लेगी। फरक्का के पास से वो पश्चिम बंगाल में इंटर लेगी। और ये हुगली नदी सीधे पश्चिम बंगाल को, पश्चिम बंगाल जाते जाते कोलकाता को, कोलकाता के तट से होते हुए यहाँ गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराएगी। हुगली नदी कोलकाता, उल्टा लिख दिया सॉरी, कोलकाता यहाँ पे है, कोलकाता यहाँ, छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है दामोदर, जो हुगली की सहायक नदी है। गंगा की वितरिका हुगली, हुगली की सहायक नदी दामोदर की, दामोदर है, और ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इतना समझ गए? चलिए अब शुरुआत से बात करते हैं। नैनीताल से निकली रामगंगा, जो कन्नौज के निकट, कन्नौज के निकट किससे मिली? गंगा नदी से। आप कन्नौज के बारे में जान ही रहे होंगे, थोड़ा बहुत आप भी कमेंट करिएगा, मैं थोड़ा बता देता हूँ। कन्नौज वही है जो जिसके लिए राष्ट्रकूट, पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार लोगों ने लड़ाइयां की थी, पांच स्टेप पे लड़ाई हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये किसके किसके तट पर है? गंगा नदी के तट पर। हुआ क्या था उस समय कि कन्नौज जो था उसका आर्थिक महत्व बहुत अच्छा था उस समय, तो जितने भी मेन मेन राजा हुआ करते थे वो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। हर्षवर्धन ने भी बनाया था, बाद में जाके बनाया था, सब बनाते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि पांच स्टेप में लड़ाई करते करते जो त्रियुद्ध हुआ था, त्रिदली युद्ध हुआ था, उसके जो रिजल्ट आया, जिन्होंने पाया उसको, उस समय तक इस कन्नौज का आर्थिक महत्व खत्म होकर दिल्ली एक नए राज्य के रूप में उदय हो गया और कन्नौज खत्म हो गया, जिसको बाद में दिल्ली सल्तनत ने अपना लिया। कन्नौज के आगे बिठूर होते हुए, कानपुर होते हुए आगे आती है यहां, इधर साइड, जहां पे गोमती नदी मिलती है। गोमती नदी वही है जिसके तट पर अपना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित है। गोमती नदी मिलती है और आगे जाके घाघरा नदी मिलती है, जो नेपाल के मत्स्यातुंग नामक ग्लेशियर यानी हिमनद से निकल के यहां गंगा नदी में मिलती है, और प्रयागराज में, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, प्रयागराज में कुंभ निकलता है जहां यमुना मिलती है। चलिए यमुना के बारे में लिखते हैं। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से बंदरपुच पहाड़ी के निकट, यमुनोत्री हिमनद से निकलकर
प्रयागराज में गंगा नदी में विलीन हो जाती है, जहां पे लगता है कुंभ, जो अभी लगा है, जाके नहा लीजिए। प्रयागराज में मिलती है। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद है, ठीक। गंगा जब यमुना निकलती है तो उसके बाएं तट पर देखिएगा, ये इसका बाएं तट कौन सा होगा, उधर ही होगा। इसके बाएं तट पर हिमालय से, पूर्ववर्ती हिमालय, शिवालिक के आगे मध्य हिमालय से निकल के टोंस नदी एक है, छोटी सी नदी है, वो आके पहले जल गिराती है। और ध्यान दीजिएगा, यमुना नदी के तट पर ही दिल्ली शहर बसा हुआ है, दिल्ली, पूरा दिल्ली बसा हुआ है, ठीक। यमुना नदी आती है और आगे मालवा के पठार से अनेकों अनेक नदियां निकलती हैं। मालवा का पठार आप जानते होंगे कि मालवा का पठार जो है वो बहुत कटा पिटा है। असल में हुआ क्या था मालवा पठार में, मालवा पठार जब बना था तो वो एकदम सही था, लेकिन उसमें अनेक नदियां बह रही थी, हिमनद पाए जा रहे तो होंगे या जैसे भी नदियां बह रही थी। नदियों ने समय के साथ मालवा पठार को इतना काटा कि वह अब एकदम खंडहर बन चुका है, और इतना अच्छा खंडहर बन गया है कि उसमें डाकुओं का बसेरा होता है। आज के समय में नहीं, लेकिन आप पुरानी पिक्चरों में देखिएगा, जो भी डाकू हुएंगे ज्यादातर मालवा पठार से ही हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ की जो नदियों ने काट दिया है, गार्ज बना दिया है या घाटी बना दिया है, जो भी बनाया है, उसमें जो स्थान बचा है वहां पे जंगलों में, वहां पे डाकुओं का बसेरा बहुत अधिक हुआ करता था। अभी भी यहां से बहुत सारी नदियां हैं और कुछ नदियां विलुप्त हो गई हैं। इसमें एक बेतवा नदी है। बेतवा नदी गंगा नदी की, यमुना नदी की एक सहायक नदी है, दाएं हाथ पर मिलती है। बेतवा नदी की सहायक नदी केन सिंध, काली सिंध आदि है, बहुत सारी नदी है, आप पढ़ लीजिएगा। अब है अमरकंटक चोटी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन। सोन नदी जाके पटना पे मिलती है, पटना पे ये अपने बालुओं के साथ साथ छोटे छोटे सोने के कड़ लेके चलती है, इसलिए इस नदी का नाम स्वर्ण नदी भी है। इस नदी का स्थानीय नाम जो है, जैसे कहते हैं गांवों में कहते हैं सोना को सोने बोलते हैं, तो सोन नदी यानी स्वर्ण नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए आगे चलेंगे तो ये गंडक है, नेपाल के किसी ग्लेशियर से निकल के आती है, गंगा नदी में मिलती है। आगे चल के कोसी नदी है जो तिब्बत के पठार से निकल के बिहार में पटना के आगे जाके मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नदी अपने मार्ग को परिवर्तित करने के लिए कुविख्यात है। क्या होता है, जब इसमें बारिश का पानी आता है यानी वर्षा होती है, इसमें जल की अधिकता के कारण ये नया मार्ग हर साल नया मार्ग चुन लेती है और उस क्षेत्र से जाती है जहां पे जनसंख्या रह रही है, और वो बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। आगे है महानदी। यहाँ दार्जिलिंग, सिक्किम के दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलकर एक नदी आती है जिसका नाम महानदी है। ये पूर्ववर्ती नदी में सबसे पूर्वी नदी है। आगे मुर्शिदाबाद के पास, जैसा कि मैंने बताया, इसकी एक वितरिका बनती है हुगली, और ये फरक्का के पास से बांग्लादेश में इंटर करती है, जहां पे इसका नाम पद्मा है, लेकिन मुर्शिदाबाद से फरक्का तक इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। फरक्का के आगे ये पद्मा नाम से चलती है, और कुछ आगे चलने के बाद ब्रह्मपुत्र जिसे बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है, वो आके इससे मिलती है, और फिर भी इसका नाम पद्मा रहता है। आगे चल के ये मेघना, मणिपुर की पहाड़ से निकल के मेघना नदी आती है, मेघना मिलती है, और इसका नाम परिवर्तित करके मेघना रख देती है, और ये एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। ध्यान दीजिएगा, डेल्टा क्या होता है, नदियां बहुत दूर से आ रही हैं अपने साथ बालू और जो भी कंकड़ पत्थर लवणता है लेके आ रही हैं, तो ये थक जाती हैं, ये वृद्ध हो जाती हैं और अपने अंतिम रास्ते में कई प्रकार के खंड बनाती हैं, वितरिकाओं का निर्माण करती है, जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखाया है। वितरिकाओं का निर्माण छोटी छोटी नालियों के रूप में बहते बहते बंगाल की खाड़ी समुद्र में अपना पानी गिराती है। ये जो बहते बहते एरिया, ड्रेनेज एरिया बनता है, इसी को डेल्टा नाम से जाना जाता है, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा यानी सुंदरवन का डेल्टा है।
अब बात सवाल ये आती है कि सुंदरवन का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा, सुंदरवन का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी वृक्ष की अधिकता पाई जाती है इसलिए इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। सुंदरवन डेल्टा मैग्रोव वन का उदाहरण है, मैग्रोव वन का उदाहरण है जो जहां पे मैग्रोवा सुंदरी आदि वनस्पतियां पाई जाती हैं, और यही पश्चिम बंगाल यही सुंदरवन में ही बंगाली टाइगर्स पाए जाते हैं, बंगाली टाइगर्स यही पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अगर मैं एरिया बनाऊं तो ये सुंदरवन का डेल्टा ऐसे आता है, अधिकतर भाग बांग्लादेश में है और थोड़ा सा भाग पश्चिम बंगाल में है, यानी अधिकतर सुंदरवन डेल्टा का भाग बांग्लादेश में है और थोड़ा सा भाग पश्चिम बंगाल में है। चलिए बस इतना ही था। अब ये गंगा नदी में गिराएगी जल, उसके बाद नदी बंद हो गया, यानी गंगोत्री से लेके यहां तक हो गया। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है। होमवर्क नंबर एक है कि ये विष्णु गंगा अलकनंदा से कहां मिलती है, मैंने बताया है। दूसरा नंबर, गंगा नदी किन किन राज्यों से गुजरती है। तीसरा, गंगा नदी के तट पर कौन कौन सी राजधानियां हैं। ठीक, बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो 10-20 लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, और अच्छा लगे कमेंट में अच्छे से बताइएगा कि अच्छा लगा या बुरा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।